मैंने सोचा कि उसे कैसी जवाब दूँ कि वो मुतमईन हो जाए, इंग्लिश की तरफ वो राइब भी हो जाए, एज इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट्स टू नेसेसरी फॉर ऑल। अस्सलाम वालेकुम। एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि हमें फ्रिक्वेंटली फोर्स किया जाता है कि लर्न इंग्लिश लर्न इंग्लिश, तो ये क्यों? मैंने उसे कहा कि यार ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और दुनिया में किसी मुल्क के साथ अगर हमारी इंटरेक्शन आती है तो हम इंग्लिश में कर सकते हैं। तो उसने सर हिलाया लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था। तो मैंने उससे सवाल किया कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्लियरली मुझे बताओ। तो उसने कहा कि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है और रिलीजियस लैंग्वेज भी नहीं है, देन वाई इंग्लिश? तो मैंने सोचा कि उसे कैसी जवाब दूँ कि वो मुतमईन हो जाए, इंग्लिश की तरफ वो राइब भी हो जाए, एज इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इट्स टू नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। सो मैंने तो उसकी ज़हनियत ऐसी बनानी थी कि इंग्लिश से नफरत ना करे और इंग्लिश सीखे। तो मैंने उसे कहा कि भाई ठीक है, वी आर पश्तूंस, हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो पश्तो है, इट्स ओके। हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है और हम मुसलमान हैं और हमारा मजहबी किताब और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस जो है वो अरबी में हैं, सो ये सब हमें सीखना चाहिए। लेकिन मैंने उसे बताया कि भाई अगर तुम्हें अपना पश्तून कल्चर रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पर, किसी और कंट्री में जाकर तुम्हें अपना पश्तून कल्चर रिप्रेजेंट करना है तो तुम कैसे करोगे? तो उसने कहा कि मैं एक्ट से करूँगा, मतलब मैं ड्रेसअप पश्तून की तरह कर लूँगा, इसके साथ साथ जो हमारे रिवायती तरीके हैं पश्तूनों की, जो कल्चर है रसूमात है, मैं उसको फॉलो करूँगा। तो मैंने उसे कहा कि बिल्कुल ठीक, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो वे ऑफ स्पीकिंग है, तुम्हारी विजुअलिटी जो है, तुम कैसा सोचते हो, तुम कैसे बात करते हो, तुम्हारे नज़रिए क्या हैं, तुम वो कैसे उन्हें रिप्रेजेंट करोगे? तो खामोश सा हो गया। फिर मैंने कहा अगर तुम अपने नेशनल किसी कल्चर को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे? फिर रिलीजियस लेवल पर अगर तुम इंटरनेशनल लेवल पर प्रीचिंग करना चाहते हो, इस बात पर ज़्यादा फोकस करें। अगर रिलीजियसली आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने रिलीजन की प्रीचिंग करना चाहते हो तो कैसे करोगे आप? यू मस्ट हैव टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश इज़ मस्ट, इंग्लिश इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हमें अपने मज़हब के अहकाम सीखने हैं, ये लाजिम है, ये हम पर फ़र्ज है। हमें अपनी ज़बान नहीं बोलनी है, हमें अपना नेटिव लैंग्वेज और नेटिव कल्चर्स याद रखने हैं, लेकिन उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें एक ज़रिया चाहिए। वी हैव टू फाइंड अ वे टू रिप्रेजेंट आवर कल्चर, टू रिप्रेजेंट आवर रिलीजन, सो इसके लिए इंग्लिश का सीखना नहायत लाजमी है। मैंने उस दोस्त को भी ये कहा, आप सबसे भी ये कहता हूँ, सो ट्राई टू join the campaign to learn English and spread your culture.